हेलो गाइस, आप देख रहे हैं विजय स्पोर्ट्स कटिंग यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है विजय कुमार। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये रहेगी हमारी ट्रैक सूट का जो अपर होता है उसकी बैक साइड और बाजू की कटिंग कैसे की जाती है, यानी फर्मा कैसे तैयार किया जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एल साइज का ट्रैक सूट का जो अपर होता है उसका फ्रंट कैसे काटा जाता है, यानी फ्रंट का पैटर्न कैसे तैयार किया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहोगे तो उसकी मदद से देख सकते हो। तो चलिए, ये हमारा पास पैटर्न शीट है डबल फोल्ड, इसकी हमें बैक की कटिंग करनी है। तो बैक की कटिंग के लिए एल साइज की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 31 इंच, यहाँ से 31 इंच। चलिए, यहाँ हमने 31 इंच पर निशान लगाया है और थोड़ा आगे से भी 31 इंच पर ही निशान लगाना है। बिल्कुल आसान तरीका है इन दोनों निशानों को सीधे मिला देना है। तो गाइज, हमारे पास लोअर ट्रैक सूट, टी शर्ट, शॉर्ट्स अगर होलसेल रेट में आपको चाहिए तो सबसे सस्ता मिलेगा, जो वीडियो के अंत में हम आपको डिस्क्रिप्शन जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है व्हाट्सएप नंबर वो हम आपको शेयर करेंगे, तो उससे आप हमारे से कॉन्टैक्ट करके हमसे माल होलसेल रेट में खरीद सकते हो। तो एल साइज का जो हमने आर्मोल बताया था वो फ्रंट में बताया था 11.5 इंच, लेकिन इसमें जो होता है 1 इंच बढ़ाना पड़ता है बैक में, ताकि जो कंधी होती है ये थोड़ी आगे की तरफ रहे, आगे की तरफ ढालो, उससे हमारा कॉलर आगे की तरफ रहता है। तो यहाँ से 12.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से 12.5 इंच पर निशान लगाना है। इससे पहली वीडियो को आप एक बार देखोगे तो बिल्कुल आपको तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल जो आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हो। मैंने इसका चौथाई पार्ट कितना होता है, कितना लूज दिया जाता है, वो मैंने आपको वीडियो में सब बता दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, उसमें आप देख सकते हो। तो यहाँ से 11.5 इंच फ्रंट में हमने 11.5 इंच रखा था, तो यहाँ भी 11.5 इंच ही रखना है और यहाँ भी एक 11.5 इंच पर ऐसे ही निशान लगा देना है। यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा देना है, यहाँ भी 2 इंच अंदर की तरफ ही निशान आ जाएगा। और अब यहाँ से आ जाइए 3.5 इंच पर ये निशान लगाना है जो बैक का जो कॉलर का हाला होता है उसके लिए, और यहाँ से 0.5 इंच और यहाँ से 0.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा ढाल देंगे यानी 1 इंच या 1.5 इंच रखेंगे तो हमारा कॉलर पीछे की तरफ चला जाएगा, जो शर्ट होती है शर्ट में पीछे की तरफ जाता है, और शर्ट में जो पीछे की तरफ जाता है उसमें हम बैक को 3 इंच या 2.5 इंच बड़ी रखते हैं, हमें ये रखना है सिर्फ 1 इंच अधिक बड़ा। 3.5 इंच से यहाँ से इसको हम इस तरीके से ढाल में तोड़ देंगे। अब ये 3.5 इंच हो गया, यानी इसका डबल हो जाएगा 7 इंच, और 3.5 उसमें रखा था, तो हमारा ये कॉलर जो आएगा 20 इंच तैयार आ जाएगा सिलाई होने के बाद। और एक बार इसकी कंधी की नाप ले लेते हैं, ये 6 इंच, ये 6 इंच ही आनी चाहिए। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला देते हैं, यहाँ से इसमें ढाल दे देते हैं। सेम वही कंडीशन है इसमें भी, यहाँ से 1 इंच पर ही निशान लगाने के बाद इसमें ढाल यहाँ तक देना है। अब यहाँ से 0.5 इंच नीचे रखना है, यहाँ से और यहाँ तक 0.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को एक बार फिर से मिला देना है। अब जो रहेगा यहाँ से ढाल टूटेगा इसमें, ये यहाँ से गलत है, ये पहले हमको ढाल तोड़ना था उसके बाद ये मार्क करना था। चलो मैं इसकी कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ये हो गया है, हमारे पास
हाला कट गया है, ये यहाँ पे 18.5 इंच रहेगा, यहाँ पर भी 18.5 इंच रहेगा। यहाँ से हमने लगाया था निशान 11.5 पर और यहाँ लगाएंगे 0.5 इंच कम 11 पर, ये लगाया हमने हिप के लिए। अब इन दोनों निशानों को भी मिला देंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारे पास एल साइज की बैक तैयार हो गई, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका फ्रंट तैयार हो गया। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। इसको भी हमें डबल इसी तरीके से रखना है। अब ये जो यहाँ पर हमने सीधा निशान लगाया है, एल साइज की जो बाजू रहती है वो हमें 27 इंच पर निशान लगाना है। थोड़ा ऊपर की तरफ रखा, इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से 27 इंच पर निशान लगाना है यहाँ पर। और यहाँ से 4.5 इंच का ढाल देना है यहाँ पर। अब हमारे पास इसकी जो बाजू है, उसकी जो बाजू की जो आर्मोल होती है वो आर्मोल रखनी है हमें 10 इंच, यहाँ से 10। यहाँ से हमने 4.5 इंच का ढाल दिया है और यहाँ से सीधा मिलाया है इसको, तो यहाँ तक 10 हो गया। और यहाँ से हमें रखनी है 6 इंच, यानी मोरी आनी चाहिए हमारी, जो नीचे की बाजू ये होती है, ये होती है 12। अब इन दोनों जगह हमें इस शेप पट्टी से मिला देना है ढाल शेप देने के बाद। और इसे यहाँ से मिला देना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से इसमें हल्का हल्का ढाल देना है। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारे पास एल साइज की बाजू कटकर तैयार हो गई है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी, तो वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और होलसेल रेट में अगर आपको लोअर ट्रैक सूट, टी शर्ट, शॉर्ट्स अगर चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के लिए आप संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9761506038।